नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म मेडिकली स्पीकिंग। ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये आपके और आपके परिवार की सेहत से जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम आपको तमाम सारी बीमारियों से आगाह कराते हैं, उनके समाधान बताते हैं, उनके इलाज बताते हैं और बहुत सारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए और जो हमें नहीं खानी चाहिए उनसे भी हम आपको वाकिफ़ कराते हैं। बहरहाल, आज जो हमने वो टॉपिक लिया है वो बड़ा ही हॉट टॉपिक है, चूँकि ये सबकी पसंद है। और ये टॉपिक ये है कि हमें गोलगप्पे खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए, किन लोगों को खाने चाहिए और अगर हम खाते भी हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, गोलगप्पे खाने से क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, किन लोगों को इनसे परहेज करना चाहिए। चूँकि गोलगप्पे एक ऐसा इशू है कि गोलगप्पे का नाम लेते ही सबकी ज़बान पर पानी आ जाता है और स्वाभाविक है, आना भी चाहिए, चूँकि गोलगप्पे बड़े चटपटे होते हैं, खाने में बड़े लजीज होते हैं। महिलाओं को तो इनका विशेष तौर पर शौक होता है, लेकिन आजकल बच्चे और बुज़ुर्ग और नौजवान सभी कह लीजिए, चूँकि नमकीन है, चटपटा है, खट्टा भी है, तो हर तरीके का टेस्ट देता है, इसलिए हर तरीके के और हर उम्र के लोगों को ये पसंद आता है। तो आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए, चौक चौराहे पर चले जाइए, किसी आलीशान एरिया में चले जाइए, गोलगप्पे ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह मिल ही जाएंगे। तो सवाल ये है कि अगर गोलगप्पों की डिमांड ज़्यादा है तो फिर गोलगप्पों का नुकसान भी कुछ ना कुछ तो होगा, तो हमको वो समझना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी मेकिंग की बात करते हैं कि आखिर गोलगप्पे तैयार कैसे होते हैं। तो आपने देखा होगा कि सूजी के गोलगप्पे बनते हैं, उनको तैयार किया जाता है, उनको तल के बनाया जाता है। तो नंबर वन की जो गोलगप्पे तैयार होते हैं उनके लिए कुछ लोग तो ये है कि जो जिस ऑयल में वो तैयार करते हैं वो ऑयल बार बार रीयूज होता है, वो तो रीयूज होने वाला जो तेल होता है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जिस तेल में ये गोलगप्पे बनकर तैयार हो रहे हैं वो दुकानदार ऐसे लोग हैं जो आपके लिए रीयूज तेल का इस्तेमाल ना करें। और चूँकि रीयूज जो तेल होता है वो सेहत के लिए एकदम ठीक नहीं है, तो ये गोलगप्पे का सबसे पहला नुकसान है। आप इस बात को कैसे इंश्योर करेंगे ये आपको देखना होगा। दूसरी बात, गोलगप्पे की जो अहम है वो होता है इसका पानी। असल में गोलगप्पे की पानी जो है ना वो जान है, जैसे जल ही जीवन है, ऐसे ही गोलगप्पे के लिए जो उसका पानी है वही उसका जीवन है, वही उसका एक तरीके से स्ट्रॉन्ग पार्टनर है। तो अगर गोलगप्पे में उसका पानी ना मिले तो समझ लीजिए उसका स्वाद ही बेकार है। जब हम गोलगप्पे के पानी को तैयार करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके वो बहुत सारे होते हैं, जैसे उसमें इमली मिलाई जाती है, नमक मिलाया जाता है और भी कई तरीके की चीज़ें मिलाई जाती हैं, लेकिन जो नमक है वो बहुत ज़्यादा मिलाया जाता है। तो ऐसे लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए जो गोलगप्पे का पानी है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको क्या चाहिए कि वो इस पानी को अवॉइड करें, यानी वो गोलगप्पे का पानी ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है, यानी गोलगप्पे ना ही खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप गोलगप्पे खाते हैं तो बहुत ही सीमित मात्रा में खाइए, वरना आपके लिए ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। अब दूसरी बात कि गोलगप्पे खाने और खिलाने का अपना एक तरीका होना चाहिए, साफ़ सफाई का बेहद ध्यान रखें, हाइजीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हाइजीन की जब हम बात करते हैं तो आप ये देखें कि जिस जगह आप गोलगप्पे खा रहे हैं वो जगह कितनी साफ़ सुथरी है, खाने जो खिलाने वाला है आपका वो किस तरीके से आपको खिला रहा है, गोलगप्पे कहाँ पर रखे हुए हैं, खिलाने वाले के हाथ कैसे हैं, जो तमाम तरीके के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं गोलगप्पे से रिलेटेड, वो जगह कितनी साफ़ सुथरी है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो आप देखें कि जो खिलाने वाला है वो प्रॉपर ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहा हो, चूँकि होता क्या है कि जब हम ये गोलगप्पे खाते हैं तो दूषित जो गोलगप्पे हैं एक तरीके से कह लीजिए कि वायरस बैक्टीरिया से संक्रमित चीज़ें, अगर आप गंदगी वाली जगह पर खड़े हो गए तो समझ लीजिए वहाँ धूल मिट्टी मक्खी ये सब चीज़ें आती हैं, तो वो क्या है कि वो वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुँच जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो फिर किन किन तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ता है हमको, ये भी आप समझ लीजिए। चूँकि अगर ऐसा हो गया कि बैक्टीरिया और वायरस गोलगप्पे के माध्यम से हमारे शरीर में चले गए तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका पेट खराब होगा, और पेट खराब होने का मतलब ये होता है कि आपका पाचन तंत्र जो है वो सबसे पहले हिट होगा। तो आपको डायरिया, डिहाइड्रेशन, आपको उल्टी, दस्त, पीलिया या फिर ये कह लीजिए कि आंतों में भी सूजन आ सकती है। तो इनसे अगर आपको बचना है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि आप जो गोलगप्पे खा रहे हैं वो हाइजीन फैक्टर का उनमें ध्यान रखा गया। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप यकीनी तौर पर खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है। लेकिन हाँ, ये टेस्ट की चीज़ें हैं, प्लीज़ माइंड इट, ये टेस्ट की चीज़ें हैं, स्वाद की चीज़ें हैं, तो इनको स्वाद तक ही सीमित रखिए। कई लोगों की क्या है कि आदत पड़ जाती है, मार्केट गई नहीं कि सबसे पहले गोलगप्पे खाने, और कुछ लोगों का तो पेट ही गोलगप्पे से भरता है। तो अगर आप गोलगप्पे खाएंगे तो यकीन मानिए गोलगप्पे जैसे हो जाएंगे और बीमारियां भी लाद के लाएंगे। तो इन चीज़ों से बचना है। सप्ताह में एक आध बार जबान का टेस्ट बदलना है तो आपने खा लिया वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इनकी आदत ना लगाएं और सीमित मात्रा में खाएं। और जो मैंने बेसिक आपको बातें बताई हैं इन बात का ध्यान रखें और इनको अमल में भी लाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए आपको गोलगप्पों से नुकसान नहीं होगा, हाँ आपका टेस्ट ज़रूर बरकरार रहेगा। बहरहाल, अगर ये बात आपको
बेहतर लगे, जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप गोलगप्पों को लेकर के कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के भी कह सकते हैं। बहरहाल हमारा काम है आपको आगाह करना, आपको इसी तरीके की जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहना। इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।